हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो परमानेंट टिश्यू कैसे कहते हैं, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं या फिर ऐसे टिश्यू जो कि क्या होते हैं जिसमें ग्रोथ जो होता है वो कम्प्लीटली रुक जाता है या फिर उस टाइम के लिए क्या हो जाता है वहाँ पर ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो सेल्स होते हैं टिश्यू के, ये कैसे होते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, और ये थिन वॉल्ड या फिर थिक वॉल्ड होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये मे बी सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो जो सिंपल्स होते हैं टिश्यू वो क्या होते हैं, वन टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के बने होते हैं और फॉर्म करते हैं यूनिफॉर्म, फॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म, साथ में हम इसे होमोजीनस सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि ये वन टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है। तो नॉर्मली जो कॉमन सिंपल टिश्यू है तो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो कंसिस्ट करता है पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल को, और कोलेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। इसके जो मेन एग्जांपल्स है वो है जाइलम और फ्लोएम। अगर हम बात करें सिंपल टिश्यू का तो उसमें सबसे पहले पैरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं लिविंग सेल से, और ये जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। बट होता क्या है, इसमें जनरली ये कैसे होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं, पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं और कंसर्न विथ अ वेजिटेटिव एक्टिविटी ऑफ प्लांट, यानी कि जो भी वेजिटेटिव एक्टिविटी होता है प्लांट में तो वो किसके द्वारा होता है, पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। तो इसको क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है वो कंपोज्ड होता है सेलुलोज का या फिर कैल्शियम पैक्टेट का। लिग्निन जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट बहुत ही रेयरली होता है, नॉर्मली तो हम इसे अब्सेंट भी कह सकते हैं। जो सेल्स होते हैं ये यूजुअली लिविंग होते हैं और ये प्रोसेस करते हैं डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस को। जो सेल्स होते हैं इनके बीच में हमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में हमें लार्ज वैक्यूलेट देखने को मिलेंगे। जो पैरेन्काइमा होता है ये बना होता है लार्ज पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जैसे कि पिथ हो गया, मीसोफिल्स लीफ हो गया, या फिर पल्प ऑफ फ्रूट एंडोस्पर्म, इस सबका क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। कॉर्टेक्स ऑफ स्टीम रूट एंड अदर ऑर्गेन ऑफ प्लांट कंसिस्ट मेनली ऑफ पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा सेल्स होता है ये आल्सो अकर करता है जाइलम और फ्लोएम में। इन एक्वेटिक प्लांट में होता क्या है, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं तो उनके कॉर्टेक्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड एयर स्पेस देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं लाइट में और डेवलप टू क्लोरोप्लास्ट इन दैम। तो अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलेन्काइमा कहते हैं। कुछ ऐसे भी टिश्यू होते हैं जो कि सेल्स क्या हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, टैपर हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेन्काइमा कहते हैं। जो इंड होगा उसका क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा या फिर टैपर हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेन्काइमा कहते हैं। कुछ ऐसे वाटर वाले प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम लोग स्टीलेट पैरेन्काइमा कहते हैं। जो टर्गिट पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, नॉर्मली जो प्लांट होता है तो वो क्या होता है, प्लांट को रिगिडिटी प्रोवाइड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और साथ में ये क्या करते हैं, जो कंडक्शन ऑफ वाटर है उसको मेंटेन करने में पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं स्पेशल स्ट्रॉन्ग टिश्यू के तरीके से, जैसे कि ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को, जैसे कि उसमें क्या होता है, स्टार्च के रूप में कर सकते हैं, प्रोटीन फैट और ऑयल्स के रूप में कर सकते हैं। अगर हम कोलेन्काइमा की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं ये डिफर होते हैं पैरेन्काइमा से, ये जो होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं और थिकनिंग जो होता है इसका सेल वॉल होता है ये प्राइमरी बॉडी में पाया जाता है, नॉर्मली अब्सेंट होता है सेकेंडरी बॉडी में डाइकॉट के। साथ में इट इज़ नॉट फाउंड इन रूट एक्सेप्ट द एरियल रूट ऑफ सम प्लांट। जो सेफ होता है कोलेन्काइमा का तो वो कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है विथ ऑब्लिक वॉल्स, और जो इंड होता है उसका कैसा होता है, राउंडेड होता है और स्लाइटली क्या होता है, टैपरिंग होता है। जो वाल होता है कोलेन्काइमा का ये चीफली कंपोज्ड होता है सेलुलोज का, पैक्टिन कंपाउंड का, और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है कंटेन किया रहता है। जब मैच्योर कोलेन्काइमा सेल्स होता है तो वो कंटेन किया रहता है प्रोटोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अकर करता है वेरिएबल नंबर में, टैनिन्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है कोलेन्काइमा सेल्स में।
इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को, और साथ में क्या होता है ये इंक्रीज करता है इसका जो पेरिफेरल पोजीशन होता है स्टीम का उसको, और जो पेटियोल्स होता है मिड रिब होता है उसके इंक्रीज में क्या करता है ये सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें इस स्क्लेरेन्काइमा का तो इसमें क्या होता है ये सिंपल टिश्यू से क्या होता है डिफर होता है फ्रॉम प्रीवियस टू पॉसिंग, यानी कि कॉलेनकाइमा और पेरेनकाइमा से ये क्या होता है डिफर होता है। थिकेंड सेकेंडरी वाल्स होता है और ये इसमें क्या होता है हमें लिग्निफाइड या फिर अनलिग्निफाइड जो है वाल देखने को मिलेगा। जो सेल्स होते हैं टिश्यू के समटाइम्स क्या होते हैं यहाँ पे अंडरगोज एक्सटेंसिव ऑफ द लेगनिन, साथ में इसका जो वेरियस शेप और साइज हमें देखने को मिलेगा। ये जनरली क्या होते हैं डेड होते हैं तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो फाइबर दूसरा स्क्लेरेट्स। जो फाइबर्स होते हैं ये इलोंगेटेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं और यूजुअली क्या होते हैं यहाँ पे हमें पॉइंटेड एंड जो होता है वो देखने को मिलेगा। जो वाल्स होते हैं फाइबर्स के वो यूजुअली क्या होते हैं लिग्निफाइड होते हैं। पीथ जो होते हैं वो फाइबर्स में पाए जाते हैं जो कि कैसे होते ऐसा रहता है तो यहाँ पे बीच में जो गैप होता है उसको पीथ कहते हैं, तो वो पाए जाते हैं राउंडेड होते हैं सेल्ट होते हैं और ऑब्लिक टाइप्स के होते हैं। जो पीथ होते हैं वो नंबर में कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे प्रोवाइड जो कि क्या करते हैं रिगिडिटी प्रोवाइड करने को, साथ में स्ट्रेंथ जो होता है प्लांट आर्गन को प्रोवाइड करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। साथ में ये अनेबल होते हैं विथ स्टैंड वेरियस स्ट्रेन कॉज बाई आउटर एजेंसी। अगर स्क्लेरेट्स की बात करें तो ये नॉर्मली कैसे होते हैं थिक वाल्ड होते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, टी सेप्ड हो सकते हैं, डम्बल सेप्ड हो सकते हैं, इवन स्टिलेट भी हो सकते हैं। जो स्क्लेरिड होते हैं ये क्या होते हैं थिक और लिग्निफाइड वाल्ड होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं पाए जाते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो इसमें क्या होता है नॉर्मली दो टाइप्स के जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। तो जाइलम जो होता है ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि वाटर को क्या करता है और मिनरल्स को क्या करता है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है कंडक्ट करता है। साथ में ये क्या करता है रूट से लीफ के साइड क्या करता है उस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो जाइलम होता है ये क्या होता है कि 5 एलिमेंटों से मिलकर के कंपोज होता है, ट्रैकिड्स फाइबर्स एंड फाइबर ट्रैकिड्स वेसल्स या फिर ट्रैकिया वुड फाइबर्स वुड पेरेन्काइमा। तो जो ट्रैकिड्स होता है ये क्या होते हैं ट्रैकिड्स होते हैं एक फंडामेंटल सेल टाइप्स होते हैं जाइलम में। ये कैसे होते हैं इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो कि टैपरिंग होते हैं राउंडेड होते हैं ओवल इंड्स और हार्ड और लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ये लॉन्ग लिविंग हो जाते हैं मैच्योरिटी में। फाइबर्स एंड फाइबर ट्रैकिड्स की बात करें तो ये क्या होता है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं फाउंड यानी कि पाए जाते हैं जाइलम टिश्यू में और प्रेजेंट होते हैं बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में। ये डेड सेल्स होते हैं और एक्सट्रीमली क्या होते हैं थिक वाल्ड होते हैं नैरो ल्यूमेंस पाए जाते हैं। अगर वेसल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है ट्रैकिया डिफर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ट्रैकिड्स जो होते हैं वो सेल्स फ्यूजन्स देखने को मिल सकते हैं, साथ में ये एराइज होते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द एंड ऑफ वाल्स। जो वाल्स होते हैं वेसल्स के वो लिग्निफाइड होते हैं हार्ड होते हैं बट क्या होते हैं थिक नहीं होते। जो कैविटी होता है सेल का या फिर ल्यूमेन का क्या होता है वो वाइड होता है। अगर वुड फाइबर की बात करें तो इसमें क्या होता है जो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स होते हैं फाउंड होते हैं जाइलम में, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं जाइलम फाइबर्स भी कह सकते हैं जो कि प्रोवाइड करता है रिगिडिटी और स्ट्रेंथ जाइलम को। साथ में ये क्या करता है जो डेवलपमेंट होता है जाइलम का तो वहाँ पे दो काइंड्स का हो जाता है, एक तो क्या होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी जाइलम हमें देखने को मिलेगा। अगर वुड पेरेन्काइमा की बात करें तो ये क्या होता है मेडअप ऑफ सेल्स विथ वाल एंड लिविंग कॉन्टेंट। ये जो होता है इसका वाल जो होता है सेलुलोज का बना होता है और ये प्रेजेंट होता है बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में। अगर फ्लोएम की बात करें तो ये क्या होता है हम इसे बास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं ये बाइंडिंग के पर्पज में क्या होते हैं हेल्प करते हैं, तो उसे हम लोग इसे क्या कहते हैं बास्ट के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली जो फ्लोएम होता है ये 4 सेल से मिलकर के बना होता है स्लीव एलिमेंट कंपेनियन सेल फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो जो स्लीव एलिमेंट होता है ये क्या करता है कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम एंड कलेक्टिवली नोन एज स्लीव एलिमेंट।
ये इसमें काम क्या होता है, ये सेग्रीगेटेड इनटू लेस स्पेशलाइज्ड स्लीव सेल्स और इसका मोर स्पेशलाइज्ड जो होता है स्लीव ट्यूब्स में, ये दो पार्ट में क्या होता है डिवाइड होता है। तो जो मॉर्फोलॉजिकली स्पेशलाइज्ड ऑफ स्लीव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है डेवलपमेंट ऑफ स्लीव्स एरिया ऑन द वॉल्स एंड इन द पैकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। जो स्लीव्स एरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, डिप्रेस्ड वॉल्स एरिया होते हैं, क्लस्टर्स देखने को मिलेगा वहाँ पे परफोरेशन का, और साथ में क्या होता है जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो एडजेसेंट स्लीव एलिमेंट होते हैं और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं जो कि कनेक्टिंग स्ट्रैंड के द्वारा जुड़े होते हैं। जो स्लीव एरिया होता है वो कनेक्टिंग स्ट्रैंड जो होते हैं रिमेन कुछ में क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल टाइप्स के होते हैं और वहाँ पर जो सबस्टेंस पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलोस कहते हैं। जो वाल्स होता है वो बियरिंग करता है एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्लीव एरिया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लीव प्लेट कहते हैं। जो स्लीव प्लेट होता है वो कंसिस्ट करता है सिंगल स्लीव एरिया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल स्लीव प्लेट कहते हैं। बहुत सारे में क्या होता है कि बहुत सारा जो एरिया कंजर्व करता रहता है स्क्लेरिफॉर्म में होता है या फिर रेटिकुलेट में होता है, अनदर मैनर में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड स्लीव प्लेट कहते हैं। अगर कंपेनियन सेल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये कैरेक्टराइज है ऐसे एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू का जो कि क्या होता है नॉर्मली जो एंजियोस्पर्म है उसमें देखने को मिलता है प्लांट्स में। तो जो प्राइमरी फ्लोएम होता है कंपेनियन सेल्स का ये अराइज होता है बाय अनइक्वल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ प्रोकैम्बियम सेल्स, तो ये जो होता है गिव राइज करता है स्लीव ट्यूब्स का, और साथ में ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं और कंटेन करता है एक बिग न्यूक्लियस को। इसका जो वाल होता है थिन होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। अगर फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, कुछ में क्या होते हैं ये प्रेजेंट भी होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं उसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं बट अबेंडेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, और इसका जो होता है ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू होता है। जो सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं तो वहाँ पे उसके वाल्स क्या होते हैं, थिकनिंग होते हैं और लिग्निन के होते हैं। जो वाल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सिंपल पिथ देखने को मिलेगा, देयर हैव नो लिविंग कॉन्टेंट एंड सेल कैविटी इन नैरो। इसका जो मेन फंक्शन है फ्लोएम फाइबर का ये क्या करता है, गिव करता है स्ट्रेंथ और रिगिडिटी टू द ऑर्गन। अगर फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करें तो जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है ये कंटेन करता है पेरेन्काइमेटस सेल्स को जो कि कंसर्न करता है विथ मेनी एक्टिविटी और कैरेक्टराइज होता है लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स में, जैसे कि स्टोरेज ऑफ स्टार्च फैट एंड अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। टैनिन्स और रेसिन्स क्या होते हैं, इसके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।